हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कौन कहता है कि सिर्फ खूबसूरत लोग ही दुनिया में पसंद किए जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी हस्ती से रूबरू करवाने वाले हैं जो एसिड अटैक सर्वाइवर है और उन्हें एसिड अटैक से जुड़ी घटनाओं का खुलकर विरोध किया है और आम लोगों के सामने अपनी आप बीती और विचारों को प्रस्तुत करने में असमर्थ रही है। दोस्तों जी हाँ, आज हम आपको लक्ष्मी अग्रवाल जी के लाइफ स्टाइल से वाकिफ करवाने वाले हैं। आपको हो सकता है कि इस वीडियो के माध्यम से श्री लक्ष्मी अग्रवाल जी के जीवन के परिचय से कुछ मोटिवेशन मिले। यदि आप नारी शक्ति का संपूर्ण रूप से समर्थन करते हैं तो यह वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो कैसे आप लोग लोग दोस्तों, लक्ष्मी अग्रवाल दिल्ली की रहने वाली थी। मध्यम वर्गीय से ताल्लुकता रखने वाली लक्ष्मी बहुत ही सुंदर थी और खुश मिजाज भी थी। दोस्तों, इनका जन्म 1990 में 1 जून को हुआ। महज 15 वर्ष की थी तब उन पर एसिड अटैक हुआ। दोस्तों, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनको इस विषम परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा। कुछ मनचलों ने दिन दहाड़े उनके ऊपर एसिड अटैक किया, जिससे उनको बहुत ही बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा। इसके बाद उनको बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, परंतु इस सशक्त महिला ने अपने जीवन में हार नहीं मानी और आगे बढ़ने का निश्चय किया। अपनी परिस्थितियों से उभरने के लिए उन्होंने खुद को सर्वाइव करना सिखाया। आज यह महिला स्टॉप एसिड सेल और एक टीवी होस्ट के साथ साथ एक भारतीय प्रचारक के रूप में दुनिया के सामने कार्य कर रही। दोस्तों, लक्ष्मी अग्रवाल जी के साथ 2005 में एसिड अटैक की घटना घटित हुई थी। वे जब 7 क्लास में पढ़ती थी। इस छोटी सी उम्र में एक 32 वर्षीय व्यक्ति नईम खान ने उनको शादी के लिए प्रपोज किया, परंतु लक्ष्मी ने उस व्यक्ति द्वारा दिए गए प्रपोजल को रिफ्यूज कर दिया। 22 फरवरी 2005 को जब लक्ष्मी करीब 11 बजे दिल्ली के एक खान बाजार मार्केट से वापस लौट रही थी, तो उस युवक ने अपने छोटे भाई की गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम देने का सोचा। उसी दौरान उसके छोटे भाई की गर्लफ्रेंड ने लक्ष्मी को धक्का दिया। यह बयान खुद लक्ष्मी द्वारा दिया हुआ है। धक्का खाते ही लक्ष्मी अचानक से सड़क पर गिर गई और उस समय नईम खान ने मौका पाते ही इनके शरीर पर एसिड अटैक कर दिया। लक्ष्मी ने अपने एक बयान में बताया कि उस दौरान लक्ष्मी ने अपने आंखों को ढक लिया था, इसलिए उनकी आंखों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंच सका। लक्ष्मी ने बताया कि जिस दौरान उनके शरीर पर तेजाब पड़ा, उस समय उनको थोड़ा सा ठंडक महसूस हुई, परंतु कुछ सेकंड बाद ही उनको महसूस हुआ कि उनके शरीर में बहुत तेज जलन हो रही है। उन्होंने बताया कि कुछ क्षणों में ही उनके चेहरे और कान के हिस्से के मांस पिघल कर जमीन पर गिरने लगे और उनके हड्डियां में भी जलन होने लगी। उन्होंने बताया कि 2 माह से अधिक उन्होंने इस दुखदायक परिस्थिति को साथ जूझते हुए राम मनोहर लोहिया अस्पताल में बिताया है। दोस्तों, लक्ष्मी अग्रवाल बताती है कि जब उनकी आंखों को डॉक्टर सील रहे थे तब वो होश में थी, परंतु उनको यह नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर में उनके साथ ये हो क्या रहा है। वह बताती है कि करीब 2 महीने से भी अधिक बाद जब वह घर लौटी तो घर के सभी आईने हटा दिए गए थे। लक्ष्मी जी ने कहा कि कैसे भी करके उन्होंने अपने चेहरे को आईने में देख लिया। अपने चेहरों को आईने में देखते ही वह खुद बहुत डर गई और इतना ही नहीं, उनको बहुत ही दुख हुआ। वह बताती है कि उन्होंने उसी वक्त ठान लिया कि उनके जिंदगी का अब कोई मकसद नहीं रह गया, अपने आप को अब खत्म कर लेना चाहिए, ऐसा उन्होंने अपने मन में निश्चय कर लिया था। वे बताती है कि अपने माता पिता के बारे में सोचकर उन्होंने आत्महत्या का विचार नहीं किया, परंतु उन्होंने कहा कि जीवन जीना इस परिस्थिति में इतना आसान उस वक्त नहीं था। और वो बताती है कि जब मैं कहीं बाहर या फिर घर के छत पर ही टहलने निकलती थी तो लोग उनके चेहरे को देखकर अपने मुंह को फिर लेते थे। यहाँ तक कि कई लोग ने उनको यह तक सलाह दे दी कि अपने चेहरे को ढक कर रखा करो, नहीं तो आजू बाजू के बच्चे तुम्हारे चेहरे को देखकर डर जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में उन्हें एक बार नहीं अनेकों बार अपमानों का सामना करना पड़ा था। और वे आज बताती है कि मैं उन सभी लोगों को अत्यधिक शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे अपमानित किया। वह बताती है कि लोगों द्वारा अपमानित होने एवं उनको घृणा से देखे जाने से ही उनके अंदर एक ऐसी जिद जागृत हुई कि अब तो कुछ इस दुनिया के उनको करके ही दिखाना है। तो दोस्तों, अपना नाम खुद के दम पर लोगों को याद दिलाना है और इस निर्दय दुनिया में समान से जीने का अधिकार हर किसी को है, और इसी को सोचकर उन्होंने खुद को खत्म करने का इरादा छोड़ दिया और आगे अपने जीवन में प्रगति पाने के लिए बढ़ती चली गई। और वे कहती है कि मैं उस सबसे एक बार जरूर मिलना पसंद करूंगी जिसने मेरे शरीर को तो झुलासा पसंद दिया, परंतु मेरे सपने एवं जीवन के उजाले का दीप जला दिया। दोस्तों, लक्ष्मी अग्रवाल के पति का नाम अलोक दीक्षित है।
तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि आखिर में आलोक दीक्षित ने लक्ष्मी अग्रवाल को अपना पत्नी क्यों बनाया। दोस्तों आलोक द्वारा उठाए गए इस निर्णय को हम दिल से सलाम करते हैं और इन दोनों की प्रेम कहानी को जितनी भी सराहा की जाए उतनी कम है। आलोक ने खूबसूरती जैसे दुनिया के पैमानों को झूठा साबित किया और इंसानियत की नई मिसाल दुनिया वालों के सामने पेश कर दी है। आलोक और लक्ष्मी की अविश्वसनीय प्रेम संबंध के फलस्वरूप उनके यहाँ एक नन्ही परी का नवम्बर 2015 में जन्म हुआ। उन दोनों की प्रेम की निशानी का नाम पीहू है। तो दोस्तों अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूं कि आपको लक्ष्मी अग्रवाल की लाइफ स्टोरी एंड सक्सेस स्टोरी अच्छा लगा होगा और हो सकता है कि आप इस वीडियो को देखकर कुछ मोटिवेट भी हुए होंगे। तो दोस्तों प्लीज एक वीडियो को लाइक तो बनता है और अगर आप हमारे इस चैनल पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।